आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर एफआईआर करवा दी। अगर आप एलडीएस स्कॉलर है तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में आरटीआई के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़के को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको आरएसएस ज्वाइन करवा दिया है। Can I ask you, what is the basic idea of a university? See, a basic idea of the university is that you train people who are able to think logically and who essentially have scientific temper of mind. And my understanding is this, that even in the faculty, the scientific temperament is a serious casualty. There is virtually no science. Aur ye kab se matlab ye scientific temper jo hai kab se reduce hua hai? Ye tab se ghata hai sahab, jab se अगर हम देखें तो हमको एक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वी शुड हैव टू एग्जामिन ए क्वेश्चन दैट व्हाई द लाइक्स ऑफ सर सीवी रमन एंड बीरबल साहनी एंड मेघनाथ साहा आर नॉट बीइंग बोर्न टुडे। टू मी दे आर नॉट बीइंग बोर्न टुडे बिकॉज ऑफ द जनरल एटमॉस्फेयर इन द सोसाइटी, बिकॉज गुड साइंस एसेंशियली रिक्वायर्स ए रिबेलियस सोसाइटी, ए सोसाइटी विच कैन रिबेल अगेंस्ट द आइडियाज। यू कांट हैव पीपल हु आर सॉर्ट ऑफ वेरी submissive in society and will be very rebellious in science. And because the moment we go to the submissive state of society, good science or good academics can never prosper. तो नहीं तो ये submissive हो क्यों रहा है? ये submissive साहब इसलिए है कि हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से अपनी बात बिना कहे अगर conformist हो करके फायदा मिल सके तो उसे ले लेने में क्या हर्जा है। विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि विश्व भर की विद्या आपको एक जगह मिले, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चा अभिव्यक्ति सीखता है, चेतना सीखता है, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते तो या तो उनके नाम पे एफआईआर हो जाता है या तो उनको निकाल दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि सबमिसिव सोसाइटी है, बट उसी सबमिसिव सोसाइटी में अहंकार बढ़ता जा रहा है। सर अगर सबमिसिव है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अहंकार है, सीधी सी बात है। एक तरफ अहंकार इसलिए है बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस इन आवर इनर सेल्फ। इफ यू परमिट मी, आई थिंक मोदी एसेंशियली एड्रेसेस द स्मॉलनेस इन पीपल। इट्स वेरी इजी but addressing their greatness, which is far more desirable, which our leaders of freedom fight were doing, is a much more difficult but a highly desirable thing, and that is what you are doing. हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है रिक्रूटमेंट को लेकर के, अब पहले एनटीए करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके कॉमन एंट्रेंसेस जीआरई जीमेट का एग्ज़ाम लिया जाता था। इन लोगों ने उसी फॉर्मेट को तो फॉलो किया है, लेकिन फिशी आइडिया ये है कि ये सारे के सारे डेटा अपने पास रख रहे हैं। दे आर सेंट्रलाइजिंग द डेटा। और समर्थ एक रिक्रूटमेंट सेल है जिसमें कि वो अब हम लोग के यूनिवर्सिटी में सो बीएचयू डज नॉट मैनेज इट्स ओन एडमिशंस। नो दे वर मैनेजिंग इट, बट नाउ इट हैज बीन टेकन अवे। एंड समर्थ को इन लोगों ने हर जगह यूटिलाइज करना शुरू किया है। इस साल से बीएचयू इंप्लीमेंट करेगा, जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो समर्थ के पास सारे डेटा बेस रहेंगे। सर ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा यदि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी प्राइवेट संस्था के पास रहे, हमारी कितनी सैलरी आ रही है, हमारे क्या पैन कार्ड का नंबर क्या, आधार कार्ड के नंबर क्या, मतलब ऐसे तो हमारे इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें ऑटोनॉमी दी गई थी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से उनको जाना जाता है, बट ऑटोनॉमी हैज़ बीन टेक्निकली किल्ड नाउअडेज। और स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी मतलब इतनी कम कर दी गई है कि वो सिर्फ पेपर में रह गई है। व्हेनेवर वी सेलेक्ट तो हम कहते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो किलिंग हुई है, यस सर, ये किसने की है? सर ये सिस्टमैटिक है, आई हैव टू से कि गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है कि 2.5 साल से यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होती है तो ये है कि वाइस चांसलर तब तक एक दो महीना जब तक नहीं आया एमएचआरडी से तो वीसी उसको कर देता था। इमरजेंसी पावर वो है, लेकिन वो इमरजेंसी पावर 2 साल से यूटिलाइज हो रहा है। तो इंडिविजुअल आर्बिट्री पावर दो साल से, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? मतलब जो आपने रेजिस्टेंस की बात की, हाँ, लोग इसका रेजिस्टेंस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आर्बिट्री कर रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। द मेन रीजन इज there are many people who want to benefit from this scheme. वो इससे अपनी चापलूसी करके और इस चीज़ में वो अपना हिस्सेदारी लेके अपने benefits लेते हैं। और इसलिए मैंने जो कहा था शुरू में that along with government, people are also responsible. People मतलब हम ही लोग, हम में से ही कोई ना कोई responsible है जो उस चीज़ का फ़ायदा भी लेते हैं।
बट इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है सब जगह। BHU में सर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लड़कियों के साथ छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी की मामलाएं आती है। IIT BHU में एक लड़की के साथ BJP के IT सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको, मतलब दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर FIR करवा दी। SC ST एक्ट में और महिला छेड़खानी से कई मामलों में हम लोगों के ऊपर FIR करा दी। अगर आप PhD स्कॉलर हैं तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में RTI के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़के को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको RSS ज्वाइन करवा दिया है। BJP का कोई भी एक प्रोग्राम हुआ, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरे राम, जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम को करिए हर जगह, जैसे RSS और BJP के। अभी कल से एक बनारस में प्रोग्राम चालू हुआ है शब्दकोश संपूर्णानंद से चालू हुआ, आज विद्यापीठ में हुआ, कल BHU में जाके समाप्त होगा। नाम शब्दकोश है लेकिन उसमें प्रचार सरकार का किया जाएगा कि मोदी जी ने ये किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है NEP का? NEP की रियल प्रॉब्लम ये है कि दैट सिस्टम इज टोटली, वो बाहर से इम्पोर्ट किया गया है और हमारे यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा, ना ही हमारे स्टूडेंट्स की वो डिमांड है, ना ही टीचर्स उस तरह से ट्रेंड हैं कि उस तरह के एक एक क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाने के लिए। और NEP पूरी तरह से ये यहाँ का सिस्टम है ही नहीं, जो यहाँ रिसर्च करके यहाँ पे लाया गया हो, ये बस बेसिकली बाहर से ला के लाद दिया गया टेक्निकली, इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे कभी भी सफल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। टेंशन का ये फ्लो है कि ये कह रहे हैं कि NEP अगले 40 साल में जो है प्रभावशाली होगा, मतलब 86 में सर हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 38 साल में वो जो है उसको स्क्रैप कर दिया है और ये वाली जो लागू कर रहे हैं इसको पूरी तरह लागू होने में, सिर्फ सर इफेक्टिव होने की बात नहीं हो रही, सिर्फ लागू होने में 40 साल लगेगा सर। आई बिलीव एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, कि NEP की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको लादा गया है कि ये BJP का एक पॉलिसी है और BJP सीरियस टूवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम, वरना इसके पहले के एजुकेशन सिस्टम में सर कोई फ्लॉ नहीं था, इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम, और इसको जो है स्क्रैप करके जैसे संसद भवन सर नया बना दिया। पिछला वाला जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वो NEP से काफी बढ़िया था।